लखनऊ से शिवानी हमारे साथ स्वागत है शिवानी यस मैम नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम uh, मेरे पैर में है तो उसके लिए कोई ठीक है क्या जी, उम्र है आपकी थर्टी फोर अच्छा बच्चा देखो है तो बड़ा मुश्किल है उसका अगर आप समझ जाएं तो और खतरनाक भी बहुत है और समझना बहुत ज़रूरी है जब तक आप समझे नहीं उसका यूज़ नहीं कर सकते आप समझ लिया आपने मेरी बात आप हैं लाइन पर देखिए बच्चा आ, एक आता है ए, धतूरा सफ़ेद ये जहर है एक बड़ा ख़तरनाक पॉइजन है ए, धतूरा सफ़ेद ज़रा सा ले लीजिए दस बीस ग्राम ख़रीद लीजिए पचास ग्राम खरीद लीजिए और इसके समझ लीजिए खूब आंवला ले लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका पाउडर बना लीजिए और एक चम्मच आंवला और दो पीस इसके धतूरा सफ़ेद के चबाएं और एक चम्मच आंवला खाएं और धतूरा दा, सफ़ेद ही लेना काला मत ले लेना वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है समझे नहीं तो कोई भी ये नुस्खा को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें इंतहा खतरनाक जहर है ये तो ये आप इस्तेमाल करें दो दो दाने बिल्कुल ये मिर्च जैसे होते हैं मिर्च के दाने जैसे होते हैं और जायका नहीं होता इसमें मिर्च के दाने में तो मिर्ची लगती है इसमें जायका नहीं होता ये फीके होते हैं लेकिन ख़तरनाक बहुत हैं दो दो दाने चबाएँ एक चम्मच आंवला खाएँ और गर्म पानी पिया करें पांच बार दिन में और एक महीने तक लें फिर हमें दोबारा कांटेक्ट करें हमसे बात ना हो सके तो हमारे डॉक्टर्स को भी अपनी रिपोर्ट बता सकते हैं जी नेक्स्ट कॉलर है गुजरात से रंजीत हमारे साथ स्वागत है रंजीत हाँ नमस्कार मैडम जी नमस्कार सवाल आपका मैडम मेरे को कमर में तकलीफ है कहां पे? तीन चार साल से कमर कमर में तीन चार साल से तकलीफ तो है ठीक है ठीक है बेटा उम्र हमारे डॉक्टर भी बोलता है कि साल रखो वजन नहीं उठाने का ऐसा ऐसा जी ठीक और इस तो सभी तो पूरी हड्डी में आवाज भी आता है और पूरा शरीर सुबह सुबह बहुत जगड़ जाता है ठीक है ठीक है आप देखिए डॉक्टर की एहतियात भी माने और वजन भी नहीं उठाए मेरी भी एक बात मान लें कि वेस्टर्न टॉयलेट ये कुर्सी वाला हमारे घरों में नहीं हो तो हमें लगवा लेना चाहिए क्योंकि हर घर में एक मरीज ऐसा होता है और बस यही एहतियात है अब आपको लेना है गोंद सियाह काला गोंद ये मुश्किल से मिलता है नकली भी बहुत मिलता है असली लेना है रॉ मटेरियल लेना है पिसा पिसाए कोई दे तो मना कर दो बिल्कुल साफ पिसा पिसाए नहीं चाहिए विश्वास मत करो असली गोंद जो ब्राउन कलर का होता है और जायके में इतना कड़वा होता है कि अगर एक चुटकी आपने जबान पर रख लिया तो बग़ैर कुछ मीठा खाए आपकी ज़बान कड़वी रहेगी चाहे दो दिन हो जाए तो ये इसकी पहचान है ब्राउन से कलर का होता है गोंद काला कहते हैं या गोंद सियाह कहते हैं इसे सौ दो सौ ग्राम खरीद लें और पाउडर बनाएं दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम पानी से बग़ैर चर्बी के दूध से या रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं सबसे फ़ायदा करता है सब्र करना पाँच दिन आठ दिन दस दिन में फ़ायदा शुरू करता है लेकिन जब करना शुरू करता है तो फिर आदमी सोचता है कि मेरा दर्द कहाँ गया वज़न नहीं उठाएं डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और आप खुश रहें जी नेक्स्ट कॉलर हैं सिरसा से रीता हमारे साथ स्वागत है रीता आपका हाँ जी मैम बोलिए नमस्कार हाँ जी मेरे को उम्र मेरी चालीस साल है ठीक है रहता है जी, जी।, तो जी।, जी।, जी बेटा देखो छींक आने वाले को इस वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए और खट्टी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए गर्म पानी पाँच बार पीना चाहिए और इसका इलाज मुस्तकिल तौर पर कर लेना चाहिए आर्जी तौर पर भी इलाज बताता हूँ मुस्तकिल तौर पर भी इलाज बताता हूँ और देखिए आप लीजिए अलसी उन्नाब और सपिस्तान ये तीन चीज़ें 100 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं जो आपके किचन में गरम मसालों में लंबी-लंबी काली काली पतली पतली पाई जाती है तीस ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और इसमें एक चम्मच सुबह निहार मुँह खाया करें और गरम पानी पिए पांच बार ये घरेलू नुस्खा है वैसे इस वक्त हर शख्स को चाहे वो रोगी हो या निरोगी हो उसको एक दवा के बारे में बोलता हूँ क्योंकि ये इम्यूनिटी की दवा है जिसमें भी इम्यूनिटी है या नहीं है उसको एक खुराक ज़रूर खानी चाहिए ताकि हम जो इस वक्त माहौल चल रहा है पूरी भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सा वायरस का माहौल है ये इम्यूनिटी की दवा है एक रोटी कम खाएं अगर हालात नहीं हैं लेकिन एक खुराक ज़रूर खाएं माजून आर केयर और जो लोग अच्छे हालात के हैं वो सुबह शाम भी ले सकते हैं ये अंदर का सैनिटाइज़र है इम्यूनिटी बूस्टर है इम्यूनिटी की दवा ज़रूर लें हर शख्स ले चाहे एक रोटी कम खानी पड़े मजबूरन लेकिन ये अपनी हिफाजत करना अपने आप को सुरक्षित करना अपने बुज़ुर्गों को अपने घर वालों को सुरक्षित करना जरूरी है जी अगले कॉलर हैं जोधपुर से बहादुर सिंह हमारे साथ स्वागत है आपका हाँ जी बोलिए सवाल करिए अपना और मेरा नस दबी हुई है कमर में नस दबी हुई है। सात साल हो गई कमर में दबी है हाँ जी कमर में दर्द है सात साल हो गए नस दबी हुई है और मतलब गोडा भी दर्द करते हैं और कमर भी दर्द करती है और गर्दन भी दर्द करती है में भी दर्द करती है ठीक है ठीक है अपनी अपनी आयु बताना चाहें, तो बता दीजिए मेरी सत्तर साल आयु है और नस हुई है, थीक है थीक और मैं दस दस दिन पहले भी मैंने से बात की थी, थी आपसे जी तो आपको मैंने जवाब दिया था सर जवाब तो मिला होगा मेरी ओर मेरी से आपको जवाब मिला होगा ना हाँ आपने 300 ग्राम अलसी और 300 ग्राम आंवला और 100 ग्राम सिया जी जी तो, तो वही लीजिए आप और एक, एक ग्राम लेना आप समझ लें कोई कोई गलती से गलत ले लेता है तो ये गौन सियाह जो है ना ये बहुत खतरनाक है इसकी इससे दवाएं बनती हैं तो इसको एक दिन में आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते एक बार में और दिन में दो ही खुराक ले सकते हैं लेकिन इसके मिश्रण के साथ आप एक ग्राम सुबह एक ग्राम शाम ले सकते हैं ये आप शुरू करें थोड़ा सब्र करें थोड़ा संयम रखें ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपके सारे रोग हरना इसका काम है भगवान से मदद मांगें और ज़मीन में ना बैठें वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें उपयोग करें तो निरोग हो सकते हैं तो बिल्कुल देखिए अभी थोड़ी सी जल्दबाजी आपने दिखा दी है अभी दस दिन पहले ही आपकी बात हुई है आपने नुस्खे जाने थे और फिर से आपने कॉल किया तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए संयम रखिए क्योंकि धीरे धीरे करके ही दर्द को रिलीफ मिलता है एकदम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा ये कोई पेन किलर नहीं है कि आपको कुछ ही घंटों में फ़ायदा हो जाएगा आप लोग अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा या फिर एक महीने का इंतज़ार कर सकते हैं तो आप हमारे उपचार अपना लीजिएगा ये आपकी इच्छा है बाकी दर्शकों नुस्खे तो लगातार आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बता ही रहे हैं अगर आप लोग अपने हर एक रोग को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो चार से पाँच महीने आपको देने होंगे देखिए इतने बड़े बड़े रोग आपको हो जाते हैं आप जीवन भर अगर दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आपको हर बात ध्यान में रखनी होगी हर बात आपको नोट डाउन करनी होगी और हमेशा की तरह एक बार फिर से कहना चाहूंगी टीवी का वॉल्यूम कम करके बात की जी और साथ ही साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए जिससे कि आप हर एक बात नोट डाउन कर पाए आइए बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ अविनाश है बिलासपुर से स्वागत है अविनाश जी हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी आदाब अविनाश जी जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पिताजी 67 सेवन ईयर ओल्ड है सड़सठ साल और उनको यूरिन में प्रॉब्लम होती है यूरिन रुक रुक के आती है अविनाश जी देखिए का, कई दवाएं हैं जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं जिनको भी इस तरह की परेशानी इस ज़्यादा उम्र में होती है वो एक नुस्खा तो ये है कि आप एक आता है जैतून का एस्टेक एस्टेक कहते हैं रसायन को जैतून का एस्टेक जिसे जैतून का नमक हम गाँव की ज़बान में कहते हैं ये ज़रा मुश्किल से मिलता है और ये ले लीजिए और दो चुटकी में जितना आए एक गिलास पानी मिलाकर रात को उन्हें पिलाया करें और ज़रूरत पड़े तो दिन में भी दे सकते हैं एक खुराक और दे सकते हैं एक ही खुराक से शुरू करें आप देखेंगे कि एक दो दिन में ही फ़ायदा शुरू होगा और 100-200 ग्राम अगर आप ये ले लेंगे तो बहुत आसानी से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है तो बिल्कुल अविनाश जी फायदा ज़रूर हो जाएगा लेकिन उसके लिए नुस्खे अपना लीजिएगा अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 24 फोर आवर्स कभी भी आइए बात करते हैं अगले कॉलर से अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं स्वागत है आपका लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया है कोई बात नहीं परेशान बिल्कुल नहीं होना है हम जानते हैं कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हकीम साहब से आपकी लाइव बात नहीं हो पाई है या फिर आपकी कॉल कट हो गई है तो दर्शकों प्रयास कीजिए अगर क्या पता आपकी कॉल लग जाए या फिर आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है जो बहुत इतमान से आपकी बातें सुनती है आप लोग सारी बातें उनसे बहुत आराम से कर सकते हैं यहाँ पर समय का अभाव होता है इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जल्दी-जल्दी अपना सवाल कीजिए और कॉपी-पैन लेके बैठिए क्योंकि नुस्खे बहुत कीमती होते हैं और अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब आइए बात करते हैं अगले कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम हां जी वालेकुम सलाम बताइए नाम बताइए जी मेरा नाम परवीना मेबी है जी परवीना जी सवाल आपका हेलो बताइए बच्चा बताइए अल्लाम साहब जी सलाम आज तो इन्होंने भी सलाम का जवाब दे दिया बताइए शुक्रम साहब आपसे बात हो पाई है जजाक बताइए बताइए क्या खिदमत जी हकीम साहब मेरा उम्र चौबीस साल है और मुझे ना वो, वो वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ठीक है सफेद पानी हाँ शादी हो गई आपकी नहीं सर ठीक है जल्दी होने वाली है उसके साथ सर पाँच आठ सालों से वही प्रॉब्लम है सफेद पानी की उसके साथ साथ साथी नजला जुकाम ये भी रहता है उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो उसमें से निकला पी, -पी -ओ -डी। तो उसके साथ साथ डाइजेशन भी ठीक नहीं है सबसे ज्यादा परेशान हो घटते वजन है अच्छा देखिए खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बाकायदा इलाज करिए इस वक्त ऐसे लोग बहुत तकलीफ़ में हैं जिनको ये वो मुदाफ़ियत कहते हैं हम लोग उर्दू में और हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना और इम्यूनिटी को इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी का कम होना तो इसके लिए माजून आर के लें पाँच महीने लगातार सुबह एक चम्मच शाम एक चम्मच और इसमें गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत बेहतर है और जो ख़वान को महिलाओं को खट्टी चीज़ें पसंद हैं वो इलाज के दौरान उन्हें छोड़ देना चाहिए तो वो ठीक हो सकते हैं और ये जो इन्फेक्शन वगैरह है इसके लिए आप एक, एक दवा आती है कलौजी का नमक कलौजी का नमक यानी एस्टेक कलौजी या रसायन कलौजी कह सकते हैं आधा ग्राम आप पानी में मिला के रोज़ाना एक बार पिया करें और चंद खुराकें लेंगे तो आपका ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है